हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपके राजस्थान जेल पहरी के तार्किक और मानसिक क्षमता प्रैक्टिस सेट 4 से, जिसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें आपकी जो लास्ट डेट है अब एग्जाम स्टार्ट होने में उसमें आपके 5 दिन बच रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो है, हम आपसे कहेंगे कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कई बुक्स के और नोट्स के जो है पीडीएफ लिंक आपको वहां पर अवेलेबल है, साथ में हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो उसको लिंक को जो है, आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक को अपना स्थान ढूंढने में मदद कीजिए। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक एक देखिए यहां पर है, सेकंड में यहां पर है, और थर्ड में आपका यहां पर है, ठीक है ना। ये तो आपके सेम वहीं पर दे ही रखे हैं। अब आपको देखना है कि अब जो नेक्स्ट अल्फाबेट है, मींस नेक्स्ट प्रश्नवाचक है, वो कहां पर आएगा, तो आपको यहां पर वो सर्च करना है। जो यहां पर जो संख्या थी, तो देखिए यहां पर कैसे लिया गया कि देखिए 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। मतलब 5 से पहले ऊपर जो संख्या होगी उसमें +1 किया होगा, +4 किया होगा, तब 5 आया होगा। तो यहां से यहां तक जाने में हमें, अगर मैं -4 करता हूं तो मुझे मिलती है 1, ठीक है। मतलब जो पहला क्वेश्चन वाचक है वो है आपके 1 के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो आपको क्वेश्चन वाचक दे रखा है यहाँ पर, ये कहाँ पर दिया है, 6 के स्थान पर आपको दिया गया है, मतलब सेकंड जो है आपका वो है 6 पर। तीसरा जो है वो है आपका 11 पर, देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी क्या है, 11 है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है तीसरा 11 पर। अब चौथा जो है, जो क्वेश्चन वाचक है वो कहाँ पर आएगा, वो आपको जो है फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज जो चली है वो चली है 1 + 5, क्या आता है 6, 6 में कितना जोड़ते हैं 11 आता है, 5 जोड़ने पर 11 आता है, मतलब 5 5 जोड़ने पर नेक्स्ट डिजिट हमको प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मुझे 11 में भी +5 करना होगा, जिससे मुझे मिलेगा 16। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाचक है, जो प्रश्न वाचक है आपका, वो आपका आएगा 16 पर। तो 16 आपका कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, तो मतलब इस साइड में जो है आपका ये वाला जो है क्वेश्चन वाचक का निशान आपका आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका 13 14 15 और जो ये क्वेश्चन वाचक का निशान है ये वाला, तो ये सीरीज आपकी जो है ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगी। तो आपका जो पहला जो सीरीज है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से 4था है, तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि टोटल जो लड़के हैं वो 28 हो जाएं। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है आपका राइट हैंड, एक है आपका लेफ्ट हैंड, मतलब बाईं ओर से 4था और दाईं ओर से 12वां। अगर मान लीजिए आपका दाया ये है और बाया इस साइड है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड आपका ये रहा, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है कि बाईं ओर से 4था है, मतलब यहां से कौन से नंबर पे है, वो 4थे नंबर, मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, कहां पर है, यहां पर, तो मतलब ये है आपका 4वां स्थान, मतलब 4था स्थान, और आपके जो दाईं स्थान से यही स्थान कौन सा है आपका, 12वां है, कौन सा है, 12वां है। तो अब देखिए कितने बच्चे, कौन से कितने बच्चे हुए इस लाइन में, तो देखिए यहां पर इस साइड होंगे कम से कम 11 बच्चे, क्योंकि ये 12वां स्थान है इसका, और इस साइड होंगे 3 बच्चे, ठीक है ना, 3 लड़के होंगे, तो यहां पर क्योंकि 4था स्थान है, तो मतलब कितने बच्चे हैं इस लाइन में, देखिए 11 + 3 और +1 1, क्योंकि वो खुद जो राहुल है वो खुद भी तो इसी लाइन में खड़ा है, तो ये कितने हो गए आपके 11 और 4 15, 15 स्टूडेंट जो है, 15 लड़के जो है उस रो में खड़े हैं। अब ये कहता है कितने लड़के और शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं, तो 15 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरे पास कितनी संख्या आ जाए, 28, तो आपको सिंपली पता होगा कि 13 लड़के जो है और जोड़ने होंगे, जिससे जो टोटल लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, ठीक है। तो हम यहां पर छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढनी है, तो हम लेके इसका एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे, 4 6 8 और 12 का, ठीक है। इसको हम इस विधि से हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 6 12, ऐसे आप इसको सोल्व कर लीजिए, या फिर एलसीएम डायरेक्ट आप ले सकते हैं बड़ी संख्या के मल्टीपल में चलिए। देखिए 12 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आपका देखिए 8 में आता नहीं है, तो इसलिए आपका 12 जो है आपका एलसीएम हो नहीं सकता। 12 का नेक्स्ट जो संख्या आती है पाड़े में वो कितनी आती है, 24। अब देखिए जो 24 है वो क्या 4 में आता है, आता है, 6 में आता है और 8 में आता है, और 12 में तो आता ही है, मतलब जो 24 है वो अब आपका क्या
हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमको वो संख्या ढूंढनी है, तो देखिए 24 में हम जो है क्या जोड़ देंगे, 3, क्योंकि शेषफल क्या बचता है हमारे पास, 3 बचता है, इसलिए हम जोड़ देंगे 3। तो जो संख्या आएगी 27, वो हमारी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहां पर आपको सीरीज दी है, नंबर सीरीज, तो आपको यहां पर निकालना है कि नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपकी क्या आएगी। तो सीरीज आपको पकड़नी होती है। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीरीज जो चल रही है वो कैसे चल रही है। तो देखिए 15 से 18, 18 से 23, 23 से 30, मतलब पास पास में संख्याएं चल रही है, तो मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो हम यहां देख लेते हैं, देखिए 15 से 18 तक आने के लिए कितना ऐड करेंगे आप, 3। 18 से 23 तक आने के लिए कितना ऐड करेंगे आप, 5। 23 से 30 तक आने के लिए कितना ऐड करेंगे, 7। 30 से 39 तक, 9। 39 से 50 तक, 11। 50 से 63 तक कितने करेंगे, 13। अब यहां देखिए क्या चल रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, मतलब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 सब हो रहा है, तो यहां पर भी प्लस 2 होगा, तो 13 और 2 15। और यहां पर अब 63 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 73 और 5 78, मतलब ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है, तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में है। तो यहां पर देखिए हमको दिशाएं सबसे पहले पता होना चाहिए, तो दिशाएं हमारी कॉपी में जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जिसमें ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, अभी कहता है पोस्ट ऑफिस जो है स्कूल के पूर्व में है, यदि मान लीजिए स्कूल आपका ये रहा, ठीक है, तो स्कूल का पूर्व कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा, तो कहां पर है हमारा पोस्ट ऑफिस, ये रहा, ठीक है, मैंने पोस्ट लिख दिया, तो स्कूल के पूर्व में कौन है, पोस्ट ऑफिस है। अब कहता है जबकि मेरा जो घर है वो स्कूल के दक्षिण में है, स्कूल का दक्षिण कौन सी साइड होगा, नीचे, तो ये इसका क्या हो गया यहां पर, घर हो गया। ठीक है, अब कहता है बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में, बाजार जो है पोस्ट ऑफिस के उत्तर, मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ, मतलब यहां मान लीजिए बाजार, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है, मतलब ये दूरी और ये दूरी जो है समान है, ये वाली दूरी और ये दूरी जो है आपकी क्या है, समान है, तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में है, बाजार जो है मेरे घर से, इस घर से, यहां से हमको दूरी काउंट करनी है किस दिशा में है, तो आपको यहां से इस तरफ की दूरी आपको निकालनी है कौन सी दिशा होती है। अब देखिए जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो देखिए ये मैंने आपको चार दिशाएं बना दी, यहां से यहां पर देखिए कौन सी साइड आता है, तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, तो आपका कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व। तो यहां पर जो ऑप्शन 4 है पूर्व के उत्तर में, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्लॉग से है, तो यहां पर देखिए एक या दो क्वेश्चन आपका आता ही है, और बच्चे क्या है इसको छोड़ देते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट काम करते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट है और कुछ कंक्लूजन है, तो आपको यहां पर देखना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल फॉलो है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर देखिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो देखिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, अगर मान लीजिए पेड़ का कुछ प्लॉट है ये वाला, कुछ प्लॉट है ये वाला, तो कुछ पेड़ के जो भाग है, प्लॉट है, वो कौन है, पत्तों में आता है, मतलब पत्ते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया पत्ते। कुछ कहता है फिर कुछ पत्ते क्या है, जड़ हैं, तो कुछ पत्ते क्या हो गई, जड़ हैं। कुछ जड़े क्या है, फूल हैं, कुछ जड़े क्या हो गई आपकी, फूल हैं, तो फूल हमने यहां बना दिया। अब यहां पर देखिए कुछ जड़े पेड़ हैं, कुछ जड़े पेड़ हैं, अब देखिए जड़े और पेड़ में हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा कि डायरेक्ट हम बता सके कि ये है या नहीं है, तो ये हो गया आपका डाउटफुल। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, ऐसा ही सेम हम यहां पर भी नहीं बता सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, तो ये भी डाउटफुल है। अगर जब दोनों ही डाउटफुल हैं तो यहां पर निकलता है कोई भी निष्कर्ष दोनों में से सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहां पर कहता है सभी दीवारें फर्श हैं, अगर दीवारें ये हैं तो सभी के सभी जो दीवारें हैं, जो दीवारें हैं वो क्या है आपकी, फर्श हैं, सभी की सभी दीवारें क्या हैं, फर्श हैं। अब कहता है सभी फर्श सीलिंग है, सारी की सारी जो फर्श है आपकी वो क्या है आपकी, सीलिंग है। ठीक है, और सारी की सारी जो सीलिंग है वो आपकी क्या है, वो आपकी छतें हैं, क्या है, छते हैं। तो आपको यहां पर निकालना है इन निष्कर्ष से कि कौन सा सत्य है। तो देखिए सभी दीवारें सीलिंग है कि सारी की सारी दीवार का जो पार्ट है वो सीलिंग है क्या नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देखिए सीलिंग के अंदर ही सारा का सारा पार्ट आता है दीवार का, तो मतलब ये बिल्कुल ट्रू यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है सभी फर्श,
छतें हैं, अगर सारी की सारी फर्श क्या छत है कि नहीं है, अगर देखिए आप जो आपका सीलिंग का हिस्सा है उसको हटा दीजिए तो फर्श का सारा भाग किसके अंदर आता है, छत में आता है, तो मतलब फर्श सारी की सारी क्या है, छत है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये ट्रू है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट का जो आंसर निकलेगा कि दोनों के दोनों निष्कर्ष वो क्या है आपके, ट्रू रहेंगे, सत्य हैं।